नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। नालंदा से रजनीश किरण की रिपोर्ट। एक और देश और दुनिया के लोग कोरोना संक्रमण से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं नालंदा जिले में कोरोना की संक्रमण से लड़ने के लिए गाँव पंचायत के जनप्रतिनिधि धीरे धीरे आगे लगे हैं। बता दें कि आज नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के रसलपुर पंचायत के सभी 13 वार्डों में जनता के बीच मुखिया सुनील कुमार द्वारा मास्क व डिटॉल साबुन वितरण किया। इस दौरान मुखिया सुनील कुमार ने पंचायत में फिलहाल 2200 साबुन व 1100 पीस मास्क का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर किया। मुखिया सुनील कुमार ने कहा कि कोरोना की संक्रमण से लड़ने के लिए लोग आपस में मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय देते हुए लड़े। इतना ही नहीं, लोग अपनी स्वच्छता पर भी ध्यान रखें और साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाकर चलने, कोरोना से जंग जीतने तक अपने घरों में रहने, गरीबों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करने समेत अन्य कई जानकारियां दी। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी हम इस पंचायत में साबुन व मास्क का वितरण कर रहे हैं और आगे भी छुट्टे हुए लोगों को देने की काम जारी रखेंगे। प्रखंड के रसलपुर पंचायत के 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड में लगभग 1100 डिटॉल साबुन बांटा गया है और 1000 मॉक्स बांटा गया। कमी लोगों को फिर से बांटा जाएगा। क्या अभी संदेश देना चाह रहे हैं कोरोना को लेकर? जो कोरोना के लेकर हर व्यक्ति को संदेश यही दिया जा रहा है कि घर में सुरक्षित रहें, घर से बिना वजह काम के बाहर न निकलें और जब भी घर से बाहर निकलते हों, घर जाते हों, तो साबुन से हाथ धोकर ही किसी चीज़ का यूज करें। क्या नाम है? सुनील कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत रसलपुर।